भूत प्रेत जितने छोटे ये शब्द लगते हैं उससे बड़ा इनका डर होता है। आज मैं आपको ऐसे रेलवे स्टेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाने वाले, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन 42 साल तक बंद था और कोई भी ट्रेन इस रेलवे स्टेशन पर आती थी तो डबल स्पीड में चलने लग जाती थी और वह रेलवे स्टेशन पर नहीं रुकती थी, कोई अलग रेलवे स्टेशन पर रुकती थी और कोई भी आदमी इस रेलवे स्टेशन पर काम करने को तैयार नहीं था, ना कोई इस रेलवे स्टेशन पर रुकने को तैयार था। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ स्टेशन की सच्चाई सुनकर आपके होश उड़ जाने वाले, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल से 260 किलोमीटर वैगनकुटा नाम का एक गांव था। थोड़े से ही दूर एक स्टेशन था, उसका नाम भी वैगनकुटा ही रख दिया था क्योंकि वह गांव के ज़्यादा ही नज़दीक था। और जब पहला कर्मचारी इसमें काम करने आया स्टेशन पे, तो वह थोड़े दिन ही नौकरी छोड़कर गांव चला गया और थोड़े दिन बाद उसकी न्यूज़ आई तो वह मर चुका था। धीरे धीरे कर्मचारी आने लगे और वह नौकरी छोड़कर जाने लगे तो इस स्टेशन पे लोग डरने लगे कि इस स्टेशन पे कुछ ना कुछ ऐसा है जिसे कर्मचारी छोड़ के चले जाते हैं। और गाँव वालों को भी ये लगता था कि इस स्टेशन पे कोई ना कोई आत्मा रहती है और लोगों को रात को ऐसे भी कोई ना कोई चीज़ दिखती थी, एक लड़की की आत्मा जो ट्रेन से आगे निकल जाती और पटरियों पे डांस करने लगती थी। और ये पटरियों पे डांस करना कोई आम बात नहीं है और वह इस पटरी से भी आगे निकल जाती, ट्रेन के साथ साथ भागने लगती। और जब ये ट्रेन स्टेशन पर पहुंचती तो ये ट्रेन की स्पीड दुगनी हो जाती। तो दोस्तों इस ट्रेन से सोचते सोचते लोगों का डर और बढ़ने लगा था। थोड़े दिन बाद ही सब आराम से रहने लगे और उस स्टेशन से कोई भी घटना की न्यूज़ नहीं आई थी और लोग उस पर जाने भी लगे थे। लेकिन उस घटना से एक चीज़ सबको पता चल गई थी कि इस ट्रेन के स्टेशन पे 5 बजे से पहले पहले ही सब जाके आ जाए, क्योंकि 5 बजे के बाद भी वह कोई ना कोई लड़की आती है जिसकी मौत हुई होती है, क्योंकि गांव वालों से ये चीज़ पता चली थी। और जब अपॉइंटमेंट किए हुए स्टेशन इंस्पेक्टर आए और वहाँ पे गांव वालों से पूछा तो उन्होंने ये भी बताया कि इस स्टेशन पे एक लड़की की मौत हो गई थी जिस कारण से यहाँ पे एक लड़की नाचती है और वह सबको मारती है और उस कारण से ये स्टेशन अब बंद कर दिया गया था। और सब ने ये सोच लिया था कि इस ट्रेन से अब कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन लोगों की डिमांड से, क्योंकि ट्रेन से अब यात्रा करना जरूरी हो गया था और 30-40 किलोमीटर नेक्स्ट ट्रेन आती थी, तो दोस्तों उस गांव वालों ने डिसाइड किया कि ये ट्रेन वापस चालू होनी चाहिए क्योंकि अब अभी तक इसमें कोई भी घटना नहीं हुई, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा साल 20 साल बीत गए थे लेकिन लोगों को कोई भी रिएक्शन नहीं आ रहा था इस घटना के बीच में। तो लोगों ने सोचा कि स्टेशन को अब चालू कर दिया जाए तो अच्छा है, लेकिन फिर ऐसा ही हुआ। लोगों को ये नहीं पता था कि 5 बजे से पहले ही जा सकते हैं लोग, लेकिन वह गांव वाले लोग किसी की भी बात नहीं सुन रहे थे और 5 बजे के बाद वहां पे जा रहे थे जिस कारण से उनकी मौत होती गई। लेकिन लोगों ने ये मानना छोड़ दिया था कि इस पे कोई भूत है या नहीं है, क्योंकि और जो बाहर के लोग कर्मचारी आते थे वह इस चीज़ को मानते थे कि इस मिट्टी में इस स्टेशन पे अभी भी भूत है। लेकिन और जो गांव के लोग थे उनको ये चीज़ पता थी कि ये इस पे गांव पे किसी ना किसी चुड़ैल का हाथ है। लेकिन इससे 2007 सीधा चालू होते हुए ममता बनर्जी रेलवे स्टेशन की जांच करानी चालू कर दी। उन्होंने अपने इंस्पेक्टर भेजे और एक रात गुजारने को वहाँ पे कहा और स्टेशन पे उन लोगों ने एक रात गुजार दी, लेकिन कुछ भी फर्क नहीं आया। और ममता बनर्जी ने यह ऐलान कर दिया कि इस रेलवे स्टेशन पर 5 बजे के बाद कोई भी नहीं जाएगा, जो भी जाएगा उसकी हत्या भी हो सकती है। तो इसे मानते हुए लोग कोई भी इस पर रिस्क नहीं लेते और 5 बजे के बाद जो भी ट्रेन स्टेशन के बीच में निकलती है उसकी दुगनी रफ्तार हो जाती है। लोगों को ये डर लगने लगता था और वह अपनी खिड़कियां बंद कर लेते थे, इस कारण से सब लोग डरने लग गए थे। तो दोस्तों आपका क्या कमेंट है कि भूत प्रेत होते हैं या नहीं होते, इस कहानी से आपको ज़रूर पता चला होगा क्योंकि ये एक सच्ची घटना है। आपको कैसा लगा ये वीडियो, आपको अच्छा लगा तो मेरा चैनल जाके सब्सक्राइब कर लिए नए नए वीडियो के लिए और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दिए सबसे पहले वीडियो के लिए। लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।